इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो दिया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और वन के जगह पे साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन वन। दूसरा दिया है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस 30 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए मिलके 2a इज इक्वल टू 120, दिस 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए का वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए की जगह 60 पुट करेंगे प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 90 माइनस 60, यानी बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 30 डिग्री। तो लिखेंगे हैंस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू।